राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य पद्म सम्मान समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट जैवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया और पूर्व सिविल सेवक राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया। वहीं जयपुर के पैरा खिलाड़ी शूटर अवनी लखेरा, कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक सिरोही निवासी चंद्र प्रकाश द्विवेदी, भरतपुर के संगीत और नौटंकी कला की नामचीन हस्ती रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पैरालंपिक खेलों में 3 मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया खेल के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता था। ऊपर जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, तो इस अवार्ड से मेरी जिम्मेवारी देश के प्रति और ज़्यादा काम करने की बढ़ गई है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए मेडल जीतूँ। सर, हर किसी को उम्मीद होती है इस सम्मान की, बहुत लोग हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, जैसे पीछे रह जाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ देश के लिए सेवा देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, और जिनको अवार्ड नहीं मिलता है वो भी निराश ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर सेटिस्फाइड तो है कि मैं देश के लिए काम किया है, और सबसे प्राथमिकता हमारी देश के लिए काम करने की होनी चाहिए। सर, आपने राजस्थान का इतना नाम बड़ा रोशन किया है, उसमें लोगों को बहुत ही सारी उम्मीदें और बहुत उत्साह पूछा है, अपने प्रशंसकों के लिए क्या कहोगे? राजस्थान देखिए वीरों की भूमि है, यहाँ बहुत साहसी लोग हुए हैं, बहुत तपस्वी लोग भी हुए हैं, और बहुत मेहनती लोग हैं मेरे प्रदेश के। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मैं कभी निराश नहीं करूँगा मेरे प्रदेश को, हमेशा मैं मेरे देश और प्रदेश के लिए काम करता रहूँगा। सर, इसका श्रेय किसको दोगे? बिल्कुल, श्रेय एक को नहीं दे करके मैं कहूँगा कि जो मेरे स्पोर्ट्स में जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, फिर मेरा परिवार, मेरे कोच, मेरे फिटनेस ट्रेनर, और विशेष तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए जो हम जा रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे बात की, उन्होंने हौसला बढ़ाया, उसी हौसले के साथ हमने मेडल जीता, और जो वापसी में